अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। चीफ जस्टिस का दयामर स्कूल जलाए जाने का नोटिस वफाक। सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स से 48 घंटों में जवाब तलब। गुज़श्ता रोज़ शरपसंदों ने लड़कियों के 12 स्कूल्स को आग लगाई थी। 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। चिनार वादी में भारतीय फौज की खून की होली। शोपिया में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। हुर्रियत के 4 परवानों की लाशें जंगल से मिली। इलाके में कशीदगी। फोर्सेस से झड़पों में 20 जख्मी। अब कोई कश्मीरी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली और दुनिया को आईना दिखा दिया। हिंदू कौम प्रस्त। जज्बात में इजाफे से वादी में काबिज फौज के खिलाफ नफरत बढ़ी। बीजेपी ने इंतहा पसंदों की हौसला अफजाई की। बढ़ गया शॉर्टफॉल। आवाम शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बेहाल। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की 6 घंटे गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गर्मी और हब्स के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। काली घटाओं की कल से एंट्री होगी। बुध तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की मस्तियां जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात ने खबर सुना दी। इंतखाबात में कितना खर्चा किया। कामयाब उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। जो अखराजात की तफसीलात जमा नहीं कराएगा इसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया जाएगा। वफाक और पंजाब का सियासी मैदान हुक्मरानी के लिए खिलाड़ी लड़ रहे हैं। बनीगाला में मुशावरत के कई स्पेल। आजाद अरकान की शमूलियत के साथ पीटीआई की पोजीशन मजबूत। नंबर गेम पूरा करने का दावा। कौम को पीटीआई से वाबस्ता तवक्कात ही हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन है। फवाद चौधरी का बयान। कहा काबरीन ज़हन नशीन कर ले। काबीना फूलों की नहीं कांटों की सेज होगी। अवाम मौसर तब्दीली चाहते हैं। 35 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज FIA में तलबी। साबिक सदर और हमशीरा को JIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई थी। फैसलाबाद में मारूफ स्टेट डांसर नीदा चौधरी पर कातलाना हमला। फैक्ट्री एरिया में नीदा चौधरी की गाड़ी पर फायरिंग। महफूज रही। कहती हैं बत्ताखोर फनकारों को धमका रहे हैं लेकिन वो डरने वाली नहीं। फैसलाबाद में 10 साल बच्ची की 26 साल शख्स से निकाह की कोशिश नाकाम। पुलिस ने निकाह खां और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। फतियाना रोड पर शादी से इनकार पर नौजवान ने तालबा पर तेजाब फेंक दिया। मोबाइल फोन के इस्तेमाल का तनाजा। कीमती जिंदगी निकल गया। गोजरांवाला में 2 बहनों में फोन के इस्तेमाल पर झगड़ा हुआ। कमल ने दिल बर्दाश्त होकर जहरीली गोलियां खा ली। लड़की जान बहक। जान पर खेलकर कौम का मान बढ़ाने वाले शेर जवानों को सलाम। आज यौम शोदाए पुलिस मनाया जा रहा है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। शोदा की खबरों पर फातिहा खानी। फूलों का नजराना। आज़ादी का जश्न मनाएंगे। घर और गलियां सजाएंगे। मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। झंडियों बैजेस शर्ट्स और कैप्स की फरोख बढ़ गई। बच्चों का जज्बा दीदनी। बड़े भी पुरजोश। बकरे छतरे ऊंट और गाय। ईद कुर्बान नजदीक आते ही रौनकें। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। व्यापारी 70,000 जानवर लेकर पहुँच गए। शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। चीनी सदर का फौजी एहलकारों को रवां साल के आखिर तक निजी कारोबार बंद करने का हुक्म। एकदम फौज में करप्शन के खात्मे के लिए उठाया गया। शी जिनपिंग का कहना है चाइना आर्मी को आलमी मेयार की लड़ाका फोर्स बनाना चाहते हैं। शुमाली कोरिया ने एटमी प्रोग्राम बंद नहीं किया। अक्वामे मुत्तहिदा का दावा। पियांग पिंग अब भी बैरूनी दुनिया को हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। आजाद माहिरीन के ग्रुप की खुफिया रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल में पेश। डेनमार्क में हिजाब पर पाबंदी के कानून पर पहली सजा। कोपेनहेगन की पर्दादार खातून को 19,000 रुपए जुर्माना। शॉपिंग मॉल में मौजूद लड़की ने खातून का हिजाब खींचने की भी कोशिश की।
चिली में तब्दीली आ गई, प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आए। चिली माहौलियाती तहफ्फुज के लिए बड़ा इकदाम उठाने वाला लातिनी अमरीका का पहला मुल्क बन गया। सदर ने शहरियों में माहौल दोस्त थैले तकसीम किए। अमरीका और रूस की खला को मुसखर करने की जंग में शिद्दत। पहले अमरीकी स्पेस शिप में सफर करने वाले 9 खला नवर्दों के नामों का ऐलान। खुश नसीब 2019 में स्पेस एक्स नामी मशीन पर खला में जाएंगे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, पेरिस का दर्जा हरारत 40 को छू गया। सूरज से बचने के लिए मकामी शहरियों और सियाहों की फवारों के नीचे मौज मस्तियां भीग कर लुत्फानंदोज होते रहे। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।